संदीप यहाँ क्या बात है? अरे भाई सीरिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम यार। हाँ यार हाउ यू? तुम यहाँ कैसे? वो क्या मेरी वाइफ श्वेता अंदर लेबर रूम में। अरे व्हाट ए कोइंसिडेंस यार, मेरी वाइफ एकता भी अंदर है। ओह हाँ, एक्चुअली इट वाज ड्यू नेक्स्ट वीक बट आई वाज इन द ऑफिस एंड आई गॉट अ फोन कॉल एंड आई रश हियर। अरे मगर तेरी शादी कब हुई? ये करीब 7 महीने पहले। कुछ एडवेंचर है क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशन है? नहीं, ऐसा है कि हम दोनों कोलीग्स हैं, भाई साहब श्वेता भैया कोलीग्स। हाँ, और शादी हम लोग 1-2 साल बाद ही करने वाले थे। हाँ, लेकिन क्या इस बीच गड़बड़ हो गया तो फैमिली वालों ने जल्दी शादी करा दी। तो बड़ा छुपा रस्ता निकला था। दैट इज ऑल सिंसियर। हमारा तो शादी होके 5 साल हो गए। हाँ यस, पहले तो एकता की जॉब और मेरी जॉब भी फुल ट्रैवलिंग था, सो वी कुड नेवर गेट टुगेदर। सो 3 साल के बाद हमने सोचा कि ये ट्रैवलिंग फुल स्टॉप करें और लेट अस बी टुगेदर। बाद में कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सेकेंड ओपिनियन भी लिया। हाँ, सेकेंड ओपिनियन भी नॉर्मल है, तो क्या करेगा? वी डिसाइडेड देख लेंगे, और बहुत सारे मंदिर गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। व्रत भी लिया, बहुत से बहुत कठिन व्रत भी हमने ऑब्जर्व किया, अरे फिर भी नहीं हुआ यार। देन हमारे कोलीग था ऑफिस में, उसने बोला गांव में एक नया साधु बाबा आया है, उसके जाके मिलो, वो जरूर आपको मदद करेगा। सो वी वेंट देयर, उसने हमें सारी बातें सुन के एक ही प्रश्न पूछ के हमारा आंखें खोल दिया। बस या एक ही सवाल यार। क्या सवाल भाई? सिंपल, आई डोंट वांट टू टेल इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल दिस पीपल। शर्म आती है यार। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ वो तो बताना पड़ेगा। क्या सवाल है? साधु बाबा ने ये पूछा हमें, ये सब ठीक है मगर जो आपको करना था आपने किया क्या? क्या बात, सुनिए ना। देखिए ये जो अंकल बैठे हैं, लगता अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए आए हुए लग रहा है। बच्चे की आवाज आई तो तुम्हें बैठना है। हेलो हेलो, हू इज श्वेता सर? मैं जी 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 मैम। कांग्रेचुलेशंस सर, आपको बेटा हुआ है। अरे अरे थैंक यू सिस्टर, ये मिठाई दीजिए। थोड़ी देर में उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। तब तक आप प्लीज रिलैक्स एंड सिट डाउन। थैंक यू। नर्वस लगता है? नर्वस है वो अंकल। ये वो अंकल देखो ना, मजे में बैठे हुए पेपर पढ़ रहा है, वो भी उल्टा रखा हुआ है। ये तो बहुत फुल फुल लगता है। नहीं कुछ बात और है, पेपर भी पढ़ रहा है। यस यस यस, कुछ क्या एंग्जायटीज नहीं है? गुड, इट इज नॉट एट ऑल गुड। वेटिंग फॉर देखिए दूसरा बच्चा क्या होगा। हेलो, वो ही लेक्टा सर? यस सिस्टर। पढ़ाई हो आपको बेटा हुआ है? ओह थैंक यू सिस्टर। एक मिनट, मिठाई लाई है, एक मिनट, ये लीजिए पूरा बॉक्स आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बधाई हो अंकल जी। अंकल जी ये बधाई हो, बधाई। थैंक यू सर। ओ भाई थैंक यू। कांग्रेचुलेशन डियर। माँ और बेटी, बेटा ना, माँ और बेटा ठीक है ना? सब क्या एकदम दोनों ठीक है? भाई साहब बेटा हाँ बेटा। हेलो
हाँ बोलो, हाँ खुश रहो खुश रहो। नहीं नहीं तुम्हारी माँ अभी लेबर रूम में है। हाँ अभी लेबर रूम में सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और बहू का एडमिट किस दिन बताया डॉक्टर ने? अच्छा एडमिट कब कर रहे हो? अच्छा तो ऐसा करो, वहाँ तो उसका मायका भी है, उनसे कुछ हेल्प ले लेना। नहीं नहीं तुमको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमने बहुत सुंदर से एक आया फिक्स कर लिया है, वो हम दोनों की देखभाल कर लेंगे। हाँ ठीक है और बताओ। हाँ तुम्हारी नानी, अरे बाप नानी तो बहुत गुस्से में बोलती, बहुत शर्माती है, एक तरफ पर दादी बन रही हूँ और एक तरफ नानी बन रही हूँ। तो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। अच्छा तुम्हारा छोटा भाई का एग्जाम चल रहा है, उसको भी मैंने मना कर दिया आने से। हाँ बेकार वो एग्जाम में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बहू को शुभकामनाएं देना और तुमको भी प्यार आशीर्वाद। रखता हूँ, बच्चे की आवाज आ रही है, रखता हूँ फोन, चलो ओके बाय। तीसरा बच्चा आजकल जो जितने ओल्डीज है ना, ये पिक्चर देखने के बाद रीएक्टिवेट हो गए, ऐसी बात है। हेलो मिस्टर सिंह, यस आपको बेटी हुई है? वाह बधाई, दो बेटों के बाद एक बेटी, गॉड टू सी बेटो। ये सब तो ठीक है पर मिठाई कहाँ है? हाँ मिठाई लाया हूँ, ये तो मिठाई चाहिए आपसे, तो ज्यादा मिठाई बनती है ना सर, इसीलिए तो बधाई। जरूर जरूर जरूर। ये तो ठीक है पर आप ये बताइए शी कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं? मैं भी अपने हस्बैंड को खिलाऊं। हम घर पे ये मल्टीग्रेन का आटा मैं भी खाता हूँ, मगर मुझे चाहिए आप कौन सी गोली लेते हो? सुनिए मैं बेस्ट नर्स कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही हूँ एंड द कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन थ्री कैटेगरीज, वन इज ब्रेन, द सेकेंड इज ब्यूटी एंड द थर्ड इज बेस्ट सर्विस टू द पेशेंट्स। पहली दो तो मैं जीत जाऊंगी, मंथली टाइटल में एनुअल फंक्शन में मैं प्राइज भी जीत चुकी हूँ, और थर्ड के लिए सर यू विल हैव टू ऑल हेल्प मी इफ द जज कम्स टू यू एंड आस्क फॉर द रेटिंग ऑफ सर्विस, सो प्लीज गिव मी 5 स्टार। जरूर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है सर। आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? अब तो कोई डिलीवरी है नहीं। मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ, बीवी बच्चे है ही नहीं, मैं तो बैचलर हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, जैसा मराठी में बोलते हैं ना एकटा जीव सदा जीव, इस तरह। फिर यहाँ कैसे? अरे ये तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए आया था, तो बोलते हैं 1 घंटा वेट करो रिपोर्ट के लिए, इधर बहुत रश है, इधर सोचे जरा कि आराम से एसी से बैठ, एसी में बैठूँ और पेपर पढ़ूँ, लेकिन पेपर पढ़ना तो हो ही नहीं, आप लोगों का बातें से तो बहुत मजा आ गया, खाने को मिठाई भी मिल गई। तो अभी ये अंकल को देख के मुझे लग रहा है मेरा भी कोई खास उम्र नहीं हुई है, मैं क्यों दोबारा शादी नहीं करूं? ठीक है ठीक है। जनाब आप शादी भी करते रहिए, जिंदगी भी जिए, मस्त रहिए, उम्र का कोई ख्याल न करना, अंकिल की तरफ देखो।